बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्लास एट्थ ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 4 होगा। आपकी बुक के पेज नंबर 156 पे एक एग्जांपल 14 दी गई है, उसमें कहा गया जी आप डिवाइड करें एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 7 को किससे, एक्स माइनस 2 से। तो हम जैसे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है उसको यहाँ लिखें एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 7 और इसको जो है हम डिवाइड करेंगे जो हमें वैल्यू दी गई है। किस पे कहा गया जी, x माइनस 2 पे डिवाइड करें। वेरी सिंपल, हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा यहाँ फर्स्ट टर्म है उस जैसा हमने इसकी मदद से बनाना। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास डिवाइज़र x माइनस 2, इसकी मदद से हमने ये फर्स्ट टर्म अंदर वाली बनानी है, वो क्या होगी एक्स स्क्वेयर। अब हमारे लिए सोचना बड़ा आसान हो जाता है कि इस एक्स को किस के साथ मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वेयर आ जाए, ये एक और एक्स के साथ। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वेयर आ गया। अब ये एक्स इस टू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दरमियान वाला माइनस वैसे का वैसे और ये 2x। अब ये जो इसका जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वो हमारा कोशेंट है, यानी आंसर होता है, हम ऊपर लिख देते हैं और ये जो आंसर आया होता है इसको उठाकर इन टर्म्स के नीचे लिख देते हैं। तो ये एक्स स्क्वेयर वाली को एक्स स्क्वेयर के नीचे और एक्स वाली को एक्स के नीचे। समटाइम्स सपोज ऐसा भी हो सकता है आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आ गई, ऐसी टर्म आ गई, सपोज यहाँ एक्स क्यूब आ गई जबकि एक्स क्यूब है यहाँ नहीं है, आप उसको साइड पर लिख दिया करेंगे। अब स्ट्रेट लाइन लगाएं, साइन लाजमी चेंज करने हैं, क्या करने हैं जी। और अगर कुछ भी नहीं है यहाँ पहले पॉजिटिव है, आपने जो साइन चेंज किया वो ये वाला नेगेटिव है। अब एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया, ये 2x एंड 2x कितना हो गया जी 4x माइनस 7। अब फिर वही जो हमारा डिवाइज़र है x माइनस 2 उसको यहाँ ले आए, हमें क्या चाहिए उससे 4x। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4x बन जाए, 4 के साथ। तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया, 4 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 आर्स 8। अब ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पर लिख दें और ये 4x माइनस 8 साइन चेंज करें, यहाँ कोई साइन नहीं है प्लस है, तो अब अपनी तरफ से हमने ये चेंज किया, 4x से 4x कट गया प्लस का 8। अब जो है जो न्यू साइन कंसीडर करेंगे हम वो ये माइनस नहीं है बल्कि क्या है प्लस 8 है, प्लस 8 में से माइनस 7 हुए तो 1 बचेगा वो भी प्लस का। अब ये जो है हमारा रिमाइंडर है, ये डिवाइज़र था, ये कोशेंट और ये डिवाइडर। तो दिस इज़ योर आंसर जो है हमारा ये वाला कंसिडर किया जाएगा, क्लियर। सिमिलरली एट द पेज नंबर 15 जो है 157 पे एक एग्जांपल 15 दी गई है, वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें क्या कहा जी इफ़ द एरिया ऑफ अ रूम इज़, कोई रूम है जिस तरह हमारा ये क्लासरूम है इस तरह का कोई रूम है, उसका एरिया कितना है 6x² माइनस 17x प्लस 12। इस एम स्क्वेयर का मतलब है मीटर स्क्वेयर, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर, अगर मीटर की बात कर रहे हैं तो मीटर स्क्वेयर होगा, ठीक है जी। तो ये मीटर का यूनिट है यानी मीटर स्क्वेयर, एंड इट्स लेंथ इज़, और उस कमरे की जो लेंथ है वो कितनी है 3x - 4, कमरे की लेंथ कितनी है 3x - 4 मीटर। फाइंड द ब्रिथ ऑफ द रूम, अब देखें अक्सर में वो ये कहना चाह रहा है हमारे पास एक कमरा है एक रूम है, ये उसकी जो लंबाई है, सपोज मैं कह रहा हूँ लंबाई है जी उसकी 3x - 4 मीटर, लेंथ कितनी है जी, ये उसकी लेंथ दी गई है, और टोटल जो हमारे पास एरिया आया है वो उसने दिया है जी हमें 6x² - 17x + 12, ये एरिया दे दिया उसने। ये वाली जो विड्थ है जो उसकी चौड़ाई है जो उसकी मतलब उसके जो कितना चौड़ा है वो, ये चीज़ हमसे पूछी गई है यानी हमने ये बतानी है। तो हम क्या करेंगे जी, सिंपल डिवीजन है ये हमारी कि ये जो बड़ी वैल्यू दी गई है इसको यहाँ लिखें जी, ये 6x² - 17x + 12 किस पे डिवाइड करेंगे जी, स्मॉलर वैल्यू पे 3x - 4 पे, और यहाँ हम रफ कर लेते हैं जी। हमारे पास डिवाइज़र है 3x - 4 और हमें क्या चाहिए उससे 6x², पहले तो 6 बनाए, 6 कैसे बनेगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए 2, तो ये
थ्री टू और सिक्स एक्स हो गया। अब ये एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब यही टू एक्स जब फोर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एट एक्स। अब ये जो टू एक्स है वो यहाँ लिख दें और ये वाली जो वैल्यू है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, साइन चेंज करें, ये प्लस था तो माइनस, ये कट गया। अब माइनस का सेवनटीन प्लस का एट कितना बचा, माइनस का नाइन एक्स प्लस ट्वेल्व। आप दोबारा डिवाइज़र लिखें थ्री एक्स माइनस फोर और हमें क्या चाहिए माइनस नाइन एक्स। थ्री एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस नाइन आ जाए, थ्री से आएगा तो वो नाइन एक्स आ जाएगा, माइनस आइए तो साथ माइनस लगा दें तो थ्री थ्री आर नाइन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, थ्री फोर आर ट्वेल्व। तो हम यहाँ लिखेंगे जी माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेल्व, साइन चेंज करें, ये से कट गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, तो ये टू एक्स माइनस थ्री। अब ये है जी उसकी जो चौड़ाई थी, जो परिधि थी उसकी, तो हम इसको लिख सकते हैं हैंस द ब्रिथ ऑफ बी आर ई ए ऑफ रोम इज कितनी है, ये टू एक्स माइनस थ्री, जो यूनिट वहाँ दिया गया हो लंबाई के लिए दिया गया था वही चौड़ाई के लिए होगा, तो ये साथ एम लाजमी लगाएंगे यानी मीटर। क्लियर।